26, Buddhist department, Buddhist studies. 22, MA Buddhist first year. MA Buddhist studies? अभी वर्तमान में मैं बुद्धिस्ट स्टडीज कर रहा हूँ। चारों आपके कैंडिडेट्स हैं चारों पद के लिए, वो चारों ही बुद्धिस्ट स्टडीज कोर्स से आते हैं और चारों फर्स्ट ईयर से आते हैं, तो ये इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज कुछ नहीं है, अभी क्या है कि मेरा तो 2019 में मैंने जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी की तो मेरा तो MA हिंदी के अंदर एडमिशन था। अभी मेरे एक साथी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी पद पर अभी दावेदार हैं, सचिन बैसला, उन्होंने अपनी लॉ फैकल्टी से लॉ पूरी कर ली, उन्होंने भी बुद्धिस्ट में एडमिशन लिया। अभी सुशांत धनखड़ जी हैं, सुशांत धनखड़ जी अभी पास आउट होकर आए और बुद्धिस्ट एक रचनात्मक कोर्स है। वो चारों MA बुद्धिस्ट स्टडीज से ही आते हैं और लगभग 6 साल ही फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो इसके पीछे क्या राज है, क्या अनोखा इस बार कॉम्बिनेशन बना है? ये ऐसा कोइंसिडेंटली हो गया। अच्छा, पर बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉ में एडमिशन ले चुका था और मैं लॉ कंप्लीट कर चुका था, तो आप फिर से एक कोर्स में री एडमिशन नहीं ले सकते, पहला तो ये होता है, इसलिए फिर मैं MA बुद्धिस्ट की तरफ गया, मेरा तो ये कारण था। राष्ट्रवाद और वामपंथ और ये आमने सामने टक्कर में दिखाई देते हैं, खास करके जामिया और JNU जैसे विश्वविद्यालयों में, तो उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो धीरे धीरे बहुत कम होने लग गया, बहुत बड़ी मात्रा में अब छात्र जागरूक होने लग गए हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ऐसी विचारधारा वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, धीरे धीरे हर राज्य से साफ होते चले गए, क्लियर आउट होते चले गए, और निश्चिंत ही तो JNU में भी थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, वो भी आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। गर्ल्स के हॉस्टल की, क्योंकि मैं खुद घर से दूर पढ़ने आई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो एक मध्यम वर्ग की छात्रा जो दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने आ रही है उसके लिए ABVP मांग कर रहा है नए गर्ल्स हॉस्टल। मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, U14 क्रिकेट खेला हूँ हरियाणा की तरफ से, और हरियाणा की तरफ से पिस्टल शूटिंग में अभी स्टेट लेवल गोल्ड मेडल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो दुर्गति इस समय खिलाड़ियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही है, वो आने वाले 22 तारीख के बाद जब नया पैनल आएगा वो नहीं। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.